ऐसा कहा जाता है कि भाग्य सबसे बली होता है, लेकिन क्या भाग्य को बदला जा सकता है? और ये एक सवाल है जो इसी वाक्य के साथ सामने आता है। मगर आज हम आपको जिस बच्चे की कहानी बताने जा रहे हैं, उसे भगवान जगन्नाथ का वरदान माना गया है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जब वो बड़ा होगा तो भारत के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आएगा, उसे उड़ीसा का गौरव और न जाने क्या क्या कहा जाता है। लेकिन एक ही पल में उसके संभावित भाग्य को पलट दिया गया। इस बच्चे का नाम है बुधिया सिंह, एक बच्चा जो दौड़ने के लिए पैदा हुआ था, मगर उसकी रफ्तार को धार देने वाले उसके गुरु को पहले उससे दूर किया गया और फिर उसकी रफ्तार को धीरे धीरे कम कर दिया गया। खैर, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हम आपको इसके आगे की कहानी बताएं, आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन है बुधिया सिंह और आखिर क्या करता है। बुधिया का जन्म साल 2002 में उड़ीसा के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो यहीं की स्लम बस्तियों में पलकर बड़ा हुआ था। 2 साल की उम्र में उसके सिर से पिता का साया भी उठ गया। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी मां ने उसे सिर्फ 800 रुपए में बेच दिया और यहीं पर बुधिया की कहानी में एंट्री हुई, स्लम के पास ही बच्चों को जूडो कराटे की ट्रेनिंग देने वाले कोच बिरंची दास की। बिरंची दास उन दिनों गरीबों और असहाय बच्चों को अपने घर में जगह देते थे और उन्हें जूडो कराटे की ट्रेनिंग देते थे। वहीं उनका अपना बिजनेस भी था, जिसके पैसे से वो स्लम के बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास करते थे। बिरंची को जब पता चला कि बुधिया को उसकी मां ने बेच दिया है, तो वो उसे खरीदने वाले आदमी के पास गई और वहां से उसे वापस ले आई, जिसके बाद बिरंची ने अपनी पहचान की बदौलत बुधिया की मां को मेड की एक नौकरी भी दिला दी। लेकिन इसी दौरान बुधिया की मां ने बिरंची से बुधिया को अपने यहां रखने की बात कही और कहा कि बिरंची ही उसका ख्याल रखे, जिसके बाद बिरंची बुधिया को अपने घर लेकर आ गए, जहां पहले से ही कई बेसहारा बच्चे रहा करते थे। स्लम के माहौल में रह रहे बुधिया ने गाली देना सीखा था। एक बार बिरंची ने उसे सुधारने के लिए दौड़ते रहने की पनिशमेंट दे दी। गुस्से में बिरंची ने कह दिया कि जब तक मैं ना बोलूं बुधिया दौड़ता रहेगा। इतना बोलकर बुधिया के कोच बाहर चले गए। जब शाम को लौटकर घर आए तो देखा कि बुधिया दौड़ ही रहा था। इसके बाद बिरंची उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, लेकिन वहां बुधिया की हालत बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद बिरंची समझ गए कि बुधिया गॉड गिफ्टेड है, जो दौड़ने के लिए ही पैदा हुआ है। बिरंची ने इसके बाद बुधिया की ट्रेनिंग शुरू की। वहीं पहली बार बुधिया की परफॉर्मेंस उड़ीसा के सीएम संघ उड़ीसा के लोगों ने एक परेड के दौरान देखी। इस दौरान उड़ीसा के सीएम ने उसे प्राउड ऑफ उड़ीसा कहा था। इसके बाद बुधिया भागता रहा और सारी दुनिया में उसका नाम पहुंच गया। इसी दौरान बुधिया को दिल्ली के हाफ मैराथन में दौड़ने के लिए बुलाया गया। 3.5 साल के इस लड़के की दौड़ देश का हर एक नागरिक देखना चाहता था। बुधिया को लेकर बिरंची दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन बुधिया दौड़ में भाग नहीं ले सका। वजह बनी उसकी उम्र। कहा गया कि मैराथन में 14 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते। बुधिया के दिल्ली में मैराथन में नहीं दौड़ने के बाद उसके कोच बिरंची ने कई लोगों से मदद में उड़ीसा में मैराथन का आयोजन करवाया। 2 मई 2006 को पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से दौड़ शुरू हुई। लगभग 200 CRPF जवानों के बीच दौड़ रहे मात्र 4.5 साल के बुधिया पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। दौड़ चलती रही, लोग थक कर रुके, किंतु बुधिया दौड़ता रहा। लोग चिल्लाते रहे, भाग बुधिया भाग। बुधिया दौड़ता रहा। 7 घंटे 2 मिनट की दौड़ के बाद बुधिया ने पुरी में भुवनेश्वर की 65 किलोमीटर की दूरी को पूरा कर लिया और ऐसा करने वाला बुधिया दुनिया का सबसे कम उम्र का धावक बन गया। इस कारनामे के बाद उसका नाम लिम्का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। बुधिया को बहुत नाम मिला, शोहरत मिली, लेकिन बस कुछ पल के लिए। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। बिरंची पर पहले से ही चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की नजर तो थी ही, लेकिन बाद में केंद्र सरकार की ओर से भी इसमें दखल दिया गया। बिरंची दास पर कई बाल कल्याण संस्थाओं और बुधिया की मां सुकांति देवी द्वारा इल्जाम लगते रहे। उन पर बुधिया से कम उम्र में इस तरह का कठिन परिश्रम कराने और शारीरिक यातनाएं देने के अपराध का मुकदमा चलाया गया। सुकांति देवी ने तो अपने बुधिया के लिए सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की। बिरंची दास लाख इनकार करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। उन्हें 13 अगस्त 2007 को गिरफ्तार भी किया गया। बिरंची की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने बुधिया का संरक्षण अपने हाथों में लेकर उसे सरकारी स्पोर्ट्स हॉस्टल में भेज दिया। 13 अप्रैल 2008 की शाम को बक्सी जंगबंधु विद्याधर कॉलेज में दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार हमले के समय बिरंची दास दोस्तों के साथ जूडो सेंटर के भीतर थे। हालांकि पुलिस ने इस बात से साफ इनकार किया कि बिरंची की हत्या का लिंक बुधिया सिंह से जुड़े थे। बुधिया की गुमनामी की वजह कहीं हम तो नहीं या हमारा ये सिस्टम।
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जैसे खेल प्रेमियों ने एक स्लम से निकले बच्चों को पलकों पर बिठाया और फिर अचानक भूल गए। दोषी ये सिस्टम भी तो है जिसे हर दिन भूख से मर रहे बुधिया की कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन जैसे ही बिरंची ने उसे गोद लेकर उसके अंदर भारत का भविष्य बनने का दम भरा, इस सिस्टम को ये चुभ गया। बुधिया जैसे कई बच्चे हैं जिन्हें अच्छा खाना तक नसीब नहीं होता, लेकिन उनके दरवाजे पर कोई वेलफेयर वाला उनकी केयर करने नहीं पहुंचता। मगर जब वही बच्चा कुछ बड़ा करता है तो चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी संस्थाओं को ये अधिकारों का हनन दिखाई देने लगता है। तो कैसी लगी आपको बुधिया सिंह की कहानी, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।